अम्बट पटाटा। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूँ शीतल। आज हम बनाने वाले हैं अम्बट बटाटा। इसको आप टैंगी पटेटो करी भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 उबले हुए आलू, 1 इंच क्यूब्स में कटे हुए, 3 बड़े चम्मच तेल, 1/2 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 6 से 7 कड़ी पत्ता, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 3 मध्यम आकार के प्याज बारीक कटे हुए, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 कप दही, 4 से 5 कोकम, 1/4 कप धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए, 1/4 कप कसा हुआ नारियल, नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस। सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में हम तेल गरम करेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हुआ है, इसमें हम डालेंगे राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे प्याज, इसे हम हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, अभी इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू और इसे हल्के से हम इसमें मिला लेंगे। इसे हम धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे दही, कोकम और इसे भी मिला लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे कटा हुआ धनिया, किसा हुआ नारियल और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम अभी डालेंगे नमक और लेमन जूस। अभी इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अम्बट बटाटा बन गया है। अभी हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अभी हम इसे बचे हुए नारियल से और धनिया से गार्निश करेंगे। गर्मा गर्म अम्बट बटाटा रेडी है। इसे आप तुरंत सर्व कीजिए।